नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। आज आप लोगों को एमएड सेकंड सेम और बीएड फिफ्थ सेम का जो टॉपिक वेरिएबल है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल एंड इट्स टाइप। वेरिएबल एंड इट्स टाइप देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर और क्वान्टिटी दैट कैन बी मेजर और काउंटेड, मतलब ऐसी क्वांटिटी या ऐसा नंबर या ऐसा किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जिसको कि हम लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं और उसकी काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ए वेरिएबल में आल्सो बी कॉल्ड डेटा आइटम। हम जो वेरिएबल है उसको हम लोग रिसर्च की जो भाषा में डेटा आइटम भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल बिकॉज द वैल्यू मे वेरी बिटवीन डेटा यूनिट्स इन अ पॉपुलेशंस एंड मे चेंज इन अ वैल्यू ओवर टाइम्स। हम लोग इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा बदलने वाली रहती है, वैरी करने वाली रहती है, और ये जो वैल्यू है ये डेटा आइटम में भी हमेशा वैरी करती हुई रहती है। टाइप ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिक्स, हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक्स में वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं। व्हाट इज वेरिएबल, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है। व्हाइल अ वेरिएबल इन अलजेब्रा रियली जस्ट मीन वन थिंग एन अननोन वैल्यू, यू विल कम across dozen of types of variable in statics। हम लोग statics में बहुत सारे variables देखते हैं, algebra में भी हम लोग देखते हैं कि जिसकी जो value जो रहती है हमेशा vary करने वाली होती है, उसमें हम लोग variable का नाम देते हैं। Some are used more than others। हम लोग बहुत सारे ऐसे भी variable use करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। For example, you will be much more likely to come across continuous variable than you would dummy variable। हम लोग बहुत सारे कंटिन्यूस वेरिएबल देखते हैं जो कि डमी वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैटेगोरियल वेरिएबल, वेरिएबल के हम लोग यहाँ टाइप्स देख रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें से हम लोग कुछ टाइप यहाँ देख रहे हैं। कैटेगोरियल वेरिएबल, वेरिएबल देन कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज, ऐसे वेरिएबल जिसको हम कैटेगरीज पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैटेगरीज टूथपेस्ट ब्रांड, यदि हम लोग कोई टूथपेस्ट ब्रांड की कैटेगरीज ले रहे हैं, माइट कंटेन द वेरिएबल्स कोलगेट एंड एक्वाफ्रेश। इसमें दो अलग अलग टाइप के हम लोग ब्रांड ले रहे हैं, कोलगेट एंड एक्वाफ्रेश, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के इसमें वेरिएबल का नाम हम लोग इसमें दे सकते हैं। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दैट हैव अ हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। कन्फाउंडिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालता है या कुछ हिडन इफेक्ट डालता है जो कि हमको सामने दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल, ए वेरिएबल विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक टाइम और वेट। देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूस वेरिएबल है ये बीबीए फिफ्थ सेम में है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूस वेरिएबल को हम लोग सतत वेरिएबल भी बोलते हैं। सतत वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो रहता है जो कंटिन्यूटी में चल रहा हो, जो सतत रूप से चलने वाला हो। अर्थात कंटिन्यूटी का यहाँ पे मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, कंटिन्यूटी का यहाँ पे हम लोग मतलब ले सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है टाइम या वेट, जिस प्रकार से कभी मैं टाइम देख रही हूँ तो मैं 3 बज रहा है या 4 बज रहा है ऐसा भी बोल सकती हूँ, या टाइम अगर इस प्रकार से हो रहा है कि 3:10 हो रहा है तो उसको हम लोग पॉइंट्स में भी बोलते हैं, मतलब 3:10, 3:15 इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यदि किसी का वेट है तो वेट, एग्जैक्ट वेट एक जैसा तो होता नहीं है ना, कभी भी 5 किलो के बाद सीधा 6 किलो तो वेट रहेगा नहीं, तो 5 किलो के बाद 5.5 किलो भी वेट हो सकता है, 5 किलो 700 ग्राम भी हो सकता है। इस प्रकार से जिस वेरिएबल की जो कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है, मतलब बीच में कभी भी वो टूटा हुआ नहीं रहता है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में मिल सकता है, उसको हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। कंट्रोल वेरिएबल, ए फैक्टर इन एन एक्सपेरिमेंटल विच मस्ट बी हेल्ड कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इज एन एक्सपेरिमेंटल टू डिटरमाइन वेदर लाइक मिक्स प्लांट्स ग्रो फास्टर यू वुड हैव टू कंट्रोल फॉर सॉइल क्वालिटी एंड वाटर। देखिए कंट्रोल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल रहते हैं जिनका जिसके प्रभाव को हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि यदि कोई पौधा है जो मतलब फास्टर ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से जो अपनी वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यदि सॉइल की जो क्वालिटी है, मतलब उसमें जो मिट्टी की जो क्वालिटी है और जो उसको वाटर जो दे रहे हैं, अगर वो अच्छी प्रकार से दें तो हम लोग उसके जो फास्टर ग्रो करने में उसको हम लोग और सहयोग कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ हमारे हाथ में है कि यदि हम लोग इस प्रकार से कुछ अच्छी चीज़ें उसको दें, अच्छी मिट्टी में उसको लगाएं, तो वो अच्छे तरीके से वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एज यू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू वॉच व्हाट हैपेंस टू द डिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू जो रहती है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ही निर्भर रहती है। मतलब यदि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं किसी भी प्रकार से, तो जो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है उसमें प्रभाव तो पड़ेगा, साथ साथ उसका जो प्रभाव है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी दिखाई देगा। डिस्क्रीट वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज अ कार पार्क कैन ओनली होल्ड सो मेनी कार्स। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल भी ये बीबी फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि उनके कोर्स में है ये। तो डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे खंडित श्रेणी भी बोल सकते हैं, खंडित चर बोल सकते हैं। खंडित चर का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि ऐसा जो वेरिएबल है, ऐसा चर है जो कि एक विशेष नंबर में ही पाए, जैसे कि जो किसी पार्किंग लॉट्स में यदि कार वहाँ पे खड़ी हुई है तो मैं 5 कार खड़ी है या 6 कार खड़ी है इस प्रकार से बोलूँगी। मैं इस प्रकार से तो नहीं बता सकती कि 5.5 कार खड़ी है, 6.5 कार खड़ी है, इस प्रकार से मैं नहीं बोल सकती हूँ। मतलब यहाँ पे कोई भी कभी भी जो श्रेणी जो उसके जो एक वेरिएबल जो रहेगा वो बीच से टूटा हुआ नहीं रहेगा, मतलब वो एक आपको एक सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। जो भी नंबर्स यहाँ पे हमको मिल रहा है वो एक सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इसको डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग दैट यू द रिसर्चर डज, यूजुअली प्लॉटेड ऑन अ एक्स एक्सिस। ए मेजरमेंट वेरिएबल हैज अ नंबर एसोसिएटेड विद इट, इट्स एन अमाउंट ऑफ समथिंग और अ नंबर ऑफ समथिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो रहता है जिसपे किसी की भी वैल्यू उस पर आधारित, उसके ऊपर किसी का वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस प्रकार से होते हैं कि वो उसका उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है लेकिन दूसरों का प्रभाव उन पर कभी भी उनको इफेक्ट नहीं करता है। और ये जो रहते हैं ये मेजरमेंट वेरिएबल होते हैं और ये मेजरमेंट मतलब इनका जो मापन जो किया जा सकता है वो अच्छी प्रकार से इनका मापन किया जा सकता है। और इनका जो रहता है इनके जो अमाउंट रहते हैं ये नंबर ऑफ मतलब ये कुछ अमाउंट में हमको मिलते हैं, मतलब इसका जो अमाउंट रहेगा उसको आप काउंटेबल रहेगा उसको, मतलब हम लोग बता सकेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें। नेक्स्ट है नॉमिनल वेरिएबल, अनदर नेम ऑफ कैटेगोरियल वेरिएबल ऑर्डिनल वेरिएबल। एक नॉमिनल वेरिएबल जो रहता है उसमें नाम मतलब मेन रहता है, जिस प्रकार से हम लोग किसी भी हमारे पास कोई डेटा यदि आया हुआ है तो मैं इसको नेमिंग के अनुसार पे डिवाइडेड कर सकती हूँ। जैसे जेंडर के बेसिस पे यदि मैं कर रही हूँ तो मेल फीमेल बोलूँगी, यदि मैं उसको ग्रुप्स के बेसिस पे कर रही हूँ तो हाई एंड लो ग्रुप ऐसे बोलूँगी। इस प्रकार से इसको हम लोग नेम दे सकते हैं तो उसको हम लोग नॉमिनल वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल का जो हमेशा किसी एक ऑर्डर में रहेगा, कोई क्रम में हमको मिलता है, जैसे कि इनकम लेवल ऑफ लो मिडिल एंड हाई वुड बी कंसिडर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो वेरिएबल है उसके एग्जांपल में हम लोग ये बता सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई इनकम लेवल है तो वह लो है हमारी, मिडिल इनकम है या फिर हाई इनकम है। इस प्रकार से यदि आप किसी नंबर में बता सकें तो उसको हम लोग, या किसी क्रम में बता सकें तो उसको हम लोग ऑर्डिनल वेरिएबल बोलते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं, ऐसे जो चर हैं जिनकी क्वालिटी को हम लोग माप सकते हैं लेकिन मतलब उसको नंबर से हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। अ ब्रॉड कैटेगरी फॉर एनी वेरिएबल दैट कांट बी काउंटेड, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर के अनुसार मैं बता नहीं सकती हूँ, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से नहीं रहेगा। दैट इज हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म्स, मतलब नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स, अ ब्रॉड कैटेगरी दैट इंक्लूड्स एनी वेरिएबल दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी कैटेगरी जो कि जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, और हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट, या फिर उनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें होती है उसको हम लोग क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल दैट फॉल इन टू दिस कैटेगरी इंक्लूड डिस्क्रीट वेरिएबल, जिस प्रकार से हम लोग अभी देखे थे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत मतलब क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आते हैं। एंड रेशियो वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल जो हम रहते हैं हमेशा किसी एक रेशियो में ही हमको मिलेंगे, तो जो रेशियो वेरिएबल है एंड डिस्क्रीट वेरिएबल ये दोनों ही क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आते हैं। रैंडम वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद रैंडम प्रोसेस एंड गिव नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम इवेंट्स, रैंडम वेरिएबल्स रहते हैं ये रैंडम प्रोसेस से जुड़े हुए रहते हैं और हमको कुछ आउटकम्स जो रैंडम इवेंट्स के आउटकम भी देते हैं। आज के लिए इतना ही वेरिएबल का, थैंक यू।